तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, यानी कि विजुअल बेसिक के द्वारा एप्लीकेशन अगर हम बनाना चाहें तो हमें किन किन स्टेप से होकर गुजरना होगा, ठीक है। इसी के बारे में आज हमें लिखना है, वहाँ समझाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो पहली स्टेप है हमारी, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू हैव विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले तो हमें अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहली स्टेप में तो हमें इतना लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्टेप है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले अब हमें न्यू प्रोजेक्ट उसमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। ओपन विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट ए न्यू विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, यानी कि विजुअल स्टूडियो को ओपन करें, उसके बाद उसमें एक नया विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट उसमें क्रिएट करें, ठीक है। यू कैन चूज द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू क्रिएट, यानी कि जो प्रोजेक्ट का टाइप है वो आप जिस भी प्रकार से प्रोजेक्ट बनाना चाहें उसी के आधार पर आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि सच एज विंडोज फार्म एप्लीकेशन, जैसे कि विंडो फार्म एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेप हमारी डिजाइन द यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर को इंटरफेस कैसा उसमें प्रतीत होगा, ठीक है, उसको कैसे डिजाइन करें। यूज द विजुअल स्टूडियोज ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस बिल्डर टू डिजाइन द GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन उसमें यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसमें कैसे हम डिजाइन करें। तो हमारा विजुअल स्टूडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा कुछ बिल्डर प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, उनके द्वारा हम इसे यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक। आउटपुट के समय स्क्रीन कैसी हमें दिखे वो चीज़ हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, यू कैन एड बटन्स टेक्स्ट बॉक्स लेवल्स एंड अदर कंट्रोल टू योर फॉर्म, यानी कि जो हमारा फॉर्म होता है जो आउटपुट हमें दिखता है उसे फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म को कैसे हम डिजाइन करेंगे, वो हम बटन टेक्स्ट बॉक्स लेवल वगैरह एक कंट्रोल इसी प्रकार के बहुत सारे कंट्रोल होते हैं उन्हें एड करके उसे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथी स्टेप है हमारे राइट कोड। अब उसके बाद उसमें कोड लिखें, तो कोड कैसे लिखेंगे, डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल्स, यानी कि जो हमारे पास कंट्रोल जो हमने अभी डिजाइन किए ऐड किए उन पर डबल क्लिक हमें करना होगा तो वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। टू एड इवेंट हैंडलर्स एंड राइट द कोड दैट डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि जिस प्रकार का आपका एप्लीकेशन जिस प्रकार से कार्य कराना चाहते हैं आप उसमें, तो उसी से संबंधित उसमें आपको कोड लिखने पड़ेंगे अपने कंट्रोल में, ठीक है। यू कैन यूज विजुअल बेसिक डॉट नेट टू राइट कोड फॉर हैंडलिंग यूजर इनपुट, यानी कि यूजर इनपुट हैंडलिंग के लिए आप विजुअल बेसिक डॉट नेट लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग डाटा एंड परफॉर्मिंग अदर टास्क, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसके अलावा और कुछ कार्य करने के लिए आप डॉट नेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और स्टेप हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद पाँचवीं स्टेप हमारी डिबग एंड टेस्ट, यानी कि कोडिंग वगैरह तो हमने कर लिया, अब उसे हम चेक करेंगे, ठीक है। टेस्ट योर एप्लीकेशन टू मेक श्योर इट वर्क एज एक्सपेक्ट, यानी कि सबसे पहले तो हमें अपने एप्लीकेशन को चेक करना होगा कि जैसा हमने चाहा था क्या वैसा ही हमारा एप्लीकेशन बना है, वैसा ही कार्य कर रहा है या नहीं। यूज द डीबगिंग टूल्स प्रोवाइडेड बाई विजुअल स्टूडियोज टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी एरर इन योर कोड, यानी कि जो हमारा विजुअल स्टूडियो है उसमें कुछ डीबगिंग टूल्स होते हैं, यानी कि एरर वगैरह चेक करने के कुछ टूल्स उसमें होते हैं जो विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड किए होते हैं, उनके द्वारा हमें चेक करना है कि हमारा सिस्टम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर हो तो उसे हम फिक्स कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी बिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक। इसके बाद वंस योर एप्लीकेशन इज रेडी बिल्ड, ठीक, इट वाज सिलेक्टिंग बिल्ड सॉल्यूशन फ्रॉम द बिल्ड मेनू, एक हमारा बिल्ड मेनू होता है विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, उसी के द्वारा हम उसमें चेक करेंगे इसमें, ठीक है। यू कैन देन डिप्लॉय योर एप्लीकेशन, उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं जब हमारा बिल्ड हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट में बिल्ड मेनू होता है उसी में हम इसे करेंगे बिल्ड करेंगे, ठीक, उसके बाद इसे हम डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। कहाँ डिप्लॉय करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल टू यूजर, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम में जो लोग होते हैं उनके पास हम अपनी फाइल को शेयर करेंगे उन यूजर्स के पास, वो अपने पास उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, या फिर पब्लिशिंग इट टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, या फिर हम इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप है हमारी मेंटेन एंड अपडेट। अब मेंटेन एंड अपडेट ये तो बहुत ही खास चीज़ है, ठीक, जैसे कि देखिए इसका अभी अर्थ निकलता है, रेगुलरली मेंटेन योर एप्लीकेशन बाय फिक्सिंग बग्स एडिंग न्यू फीचर्स एंड अपडेटिंग
इट टू कीप अप विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड यूजर रिक्वायरमेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि हम जैसे कि मोबाइल वगैरह में भी हमारे अपडेट आते रहते हैं, वैसे भी क्यों आते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया तो उस समय आपकी रिक्वायरमेंट कम थी, उसमें आपने कम फीचर ऐड किए, ठीक है। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी की चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं या यूजर चाहता है कि इसमें कुछ और फीचर ऐड करो, तब हमें उसमें कुछ फीचर और ऐड करने होते हैं, तभी हमें अपडेट जब करेंगे तभी वो हमें शो होंगे, ठीक है। इसलिए हमारे सिस्टम में भी अपडेट वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मेंटेन और अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद वाई फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन क्रिएट ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग योर नीड। अपनी ज़रूरत के हिसाब में आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जो ऊपर स्टेप बताएंगे इन सभी का यूज करके, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो सच में आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।